साथियों, आज का भारत तेज बैंकिंग ट्रांजैक्शन चाहता है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल होते हुए देखना चाहता है। सिर्फ 3 साल में यूपीआई के बढ़ते हुए नेटवर्क ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया है। आज स्थिति ये है कि 24 घंटे सातों दिन देश आसान और सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। आज भीम ऐप बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। साथियों, 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के जरिए करीब 9 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के जरिए हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कितनी तेजी से डिजिटल लेन देन को अपना रहा है। साथियों, देश को ऐसे समाधान की जरूरत थी जो बिजली के पीछे कम खर्च करे, रोशनी ज्यादा दे और उसकी कीमत भी कम हो। इसी आवश्यकता ने उजाला योजना को जन्म दिया। एलईडी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए गए, नीतियों में परिवर्तन किया गया। इससे बल्ब की कीमत कम हुई और एक बार लोगों ने इसके लाभ को अनुभव किया तो डिमांड भी बढ़ी। कल ही उजाला स्कीम को 5 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सभी के लिए संतोष की बात है कि इस दौरान देश भर में 36 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, देश के ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइट सिस्टम को एलईडी आधारित बनाने के लिए भी 5 साल से प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल की जा चुकी है। इन दोनों प्रयासों से ही करीब 5,500 करोड़ किलोवाट आवर बिजली की बचत हर वर्ष हो रही है। इससे हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए का बिजली खर्च कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में भी बड़ी कमी आ रही है। और यह हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत से निकले ऐसे इनोवेशंस, चाहे यूपीआई हो या उजाला, दुनिया के कई देशों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज हमारे मेक इन इंडिया अभियान हमारे उद्योग जगत की शक्ति है, ताकत है। मुझे ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज भारतीय उद्योग जगत के हर क्षेत्र में चाहिए। जल जीवन मिशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, डिफेंस हो, हर सेक्टर में आपके लिए अनेकों सक्सेस स्टोरीज आपका इंतजार कर रही है।